हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 8 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु लॉन्च्ड द शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब। हाल ही में किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च की है? तो ये शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप फेसबुक ने लॉन्च की है। जैसे टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप है, वैसे ही फेसबुक ने भी ये शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप लॉन्च की है। इसका नाम कोलैब है। तो अब फेसबुक की बात है तो फेसबुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फेसबुक ने अभी हाल ही में इससे पहले एक ग्रुप वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है कैचअप। ये एक फैमिली वीडियो कॉलिंग ऐप है जिसमें कि फैमिली आपस में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और इसमें 10 पीपल्स जो है आपस में एक ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये कैचअप भी लॉन्च की थी फेसबुक ने। देन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 पीपल, एक मैसेंजर रूम, ये भी फेसबुक ने लॉन्च किया है। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 पीपल रहेगा, ये एक मैसेंजर रूम लॉन्च किया फेसबुक ने। देन इन्होंने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया जिसका नाम है लिब्रा। ड्यूरिंग COVID-19 इनिशिएटिव आई फॉर इंडिया, ये भी इन्होंने ही लॉन्च किया, ये भी आपको याद रखना, आई फॉर इंडिया। देन लॉन्च्ड वी थिंक डिजिटल पोर्टल, तो वी थिंक डिजिटल पोर्टल ये भी फेसबुक ने ही अभी हाल ही में लॉन्च किया। उसके अलावा जुकरबर्ग ही बिकम थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, इसके मालिक भी हैं, ओनर हैं फेसबुक के, तो वो इस वक्त दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन अभी हाल ही में बने हैं। तो ये तमाम करंट अफेयर्स अभी फेसबुक से रिलेटेड है, इनको आपने याद रखना है। फेसबुक ये एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। फाउंडेशन हुई थी इसकी 4 फरवरी 2004 और इसको फाउंड किया था मार्क जुकरबर्ग ने विद हिज फेलो हार्वर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स, जिनका और जो इसके रूममेट्स भी थे, जिसका नाम है एडुआर्डो सेवेरिन, एंड्रू मैकोलम, डस्टिन मस्कोविज एंड क्रिस हॉगिस। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। जुकरबर्ग तो सबको याद है लेकिन जो इसके साथ लोग थे 4 लोग, इनको आपने याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड ए संपदन कंपेन, संपदन कंपेन फॉर डिप्रेस्ड पीपल। किस राज्य पुलिस ने अवसादग्रस्त कर्मियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया? तो ये संपदन अभियान अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने लॉन्च किया। तो अब ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये संपदन कंपेन लॉन्च की है। तो संपदन कंपेन क्या है? एक्चुअली क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों में जो पुलिस पर्सन हैं, मोर देन 50 पीपल जो पीपल ये पुलिस पर्सन थे, उन्होंने सुसाइड किया। लगभग 50 लोगों ने सुसाइड किया ड्यू टू डिप्रेशन एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। तो उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए एक कंपेन लॉन्च किया गया है, कंपेन टू चेक द मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो उसके लिए कंपेन लॉन्च किया गया है, संपदन कंपेन, जिसमें क्या होगा, कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स वगैरह किए जाएंगे, जैसे म्यूज़िक, योगा या काउंसलिंग सेशन वगैरह की जाएगी, ताकि जितने भी पुलिस पर्सन हैं उनको इस मेंटल स्ट्रेस से निकाला जा सके। तो उस चीज़ के लिए कंपेन लॉन्च किए गए, संपदन कंपेन। तो ये संपदन कंपेन आपको याद रखें, ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़, प्रेजेंट स्टेट छत्तीसगढ़, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसको अलग किया गया ऑन 1 नवंबर 2000 में, तो इसी दिन इसकी फॉर्मेशन हुई थी एज ए स्टेट। कैपिटल यहाँ की रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उकाई, चीफ्स यहाँ के भूपेश बहगल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ, एक है इंद्रावती कुतरू नेशनल पार्क, कंगाड़ वैली नेशनल पार्क एंड गुरु घासी दास संजय नेशनल पार्क। तो यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एडवाइज़र ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक आईडी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजू टोम्पो को न्यू चीफ एडवाइज़र ऑफ वर्ल्ड बैंक इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये राजू टोम्पना है जिनको कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ एडवाइज़र के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड बैंक ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स एंड ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करता है टू द पुअर कंट्रीज़।
फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1944 में, हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी यूएन यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। और की पीपल डेविड मालपास जो कि इस वक्त करंट वर्किंग प्रेसिडेंट हैं इसके वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, किसने भारत में आतंकवाद और पैथोलॉजी अविभाज्य युद्धों की पुस्तक का समर्थन अभी हाल में किया है। तो ये वेद मरवा, इन्होंने ये अभी एक वार्स अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इस बुक को लिखा है, ऑथर किया है इसको, इस बुक को। तो इस बुक में इन्होंने टेररिज्म मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेसेस वगैरह बताए हैं। और मजीद इस बुक में ये भी एनालाइज इन्होंने किया है कि इस वक्त जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है उसने इंडियन पॉलिटी में कैसे डीप रूट्स ले लिए हैं, यानी एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जो इस वक्त चल रहा है कंट्री के अंदर उसने इंडियन पॉलिटी के अंदर डीप रूट्स ले लिए हैं। तो इसी से रिलेटेड ये बुक है, अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म, और ये है वेद मारवा, ये इन्होंने इस बुक को ऑथर किया है, ये ही इसके राइटर हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड टुलिप प्रोग्राम, टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो टुलिप प्रोग्राम ये अभी हाल ही में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ये इन्होंने अभी हाल ही में प्रोग्राम लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी ये हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर, इन्होंने ये टुलिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इनके साथ यूनियन होम रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल भी थे। तो इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, इस टुलिप प्रोग्राम को। तो टुलिप प्रोग्राम क्या है? टुलिप का की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग है, ये टुलिप का मीनिंग फुल फॉर्म है, ये अभी हमने लॉन्च किया। और इसमें क्या होगा कि जो भी इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियर्स हैं उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड ज़ीरो कॉन्टैक्ट राइड, हाल ही में किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? तो शून्य संपर्क लॉन्च या ज़ीरो कॉन्टैक्ट राइड ये अभी हाल ही में उबर ने लॉन्च किया है। अब ये ज़ीरो कॉन्टैक्ट राइड ये क्या है? इसमें क्या होगा कि जब भी कोई आदमी इनकी कैब में बैठेगा, जो उबर वालों की कैब्स है, जब भी इनमें कोई राइडर बैठेगा तो बिफ़ोर द राइड ये जो कैब्स होंगी इनको अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाएगा, और आफ्टर द राइड उस वक्त भी उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। और इसमें एक और ये रखा जाएगा, एहतियात रखी जाएगी, जो ड्राइवर होंगे वही डोर्स वगैरह को टच करेगा, जो भी राइडर हैं वो इस कैब की जो डोर्स वगैरह हैं उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा, ताकि ये जो COVID-19 की प्रॉब्लम इससे चल रही है उससे बचा जा सके। तो इस चीज़ के लिए ये जो ज़ीरो कॉन्टैक्ट राइड है ये अभी उबर ने लॉन्च किया है। तो इसमें सैनिटाइजेशन वगैरह का खास ख्याल रखा जाएगा, और दूसरा जो डोर्स वगैरह होंगे उनको सिर्फ ड्राइवर ही हाथ लगाएगा। तो अब उबर ने ये लॉन्च किया है, तो उबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उबर टेक्नोलॉजीज़, ये कॉमनली इसको उबर भी कहा जाता है, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल राइड हेलिंग कंपनी है। स्थापना हुई थी इसकी मार्च 2009 में। फाउंडर इसके गैरेट कैंप एंड ट्रेविस कैलिनिक। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। पीपल जो इससे रिलेटेड हैं, रोनाल्ड शुगर ये इसके करंट चेयरमैन, एंड डारा खोसरो शाही ये इसके करंट CEO हैं। तो ये थी उबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ करंट अफेयर्स के साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और डेली बेसिस पे आप इन वीडियोस को देखा करें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। मैं एक यूनिक तरीके से इन वीडियोज़ को बनाता हूँ, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ये बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 51st एनुअल समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच में 51st वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये डेवस करेगा, डेवस में ये होगी एनुअल समिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये डेवस इसकी 51st एनुअल समिट की मेज़बानी करेगा, ये इसको होस्ट करेगा।
द 51st एनुअल समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल बी हेल्ड इन डेवोस स्विट्जरलैंड, और इसका जो थीम रहेगा द ग्रेट रिसेट, और इसका नाम है यूनिक ट्विन समिट। तो अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेस्ड इन कोलोंजी जेनेवा, तो कोलोंजी जेनेवा में ये बेस्ड है स्विट्जरलैंड में। ये एक एनजीओ है दैट वाज फाउंडेड इन 1971। मोटो इसका कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर्मेशन 1971 में, फाउंडर इसे क्लाउस स्क्वेब, हेडक्वार्टर कोलोंजी स्विट्जरलैंड में इसका, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो इसके हैं इस वक्त करंट वो है बिकेलॉस स्क्वेब। तो ये थी वर्ल्ड इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ प्लेज्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, भारत ने वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के लिए कितना देने की घोषणा की है। तो भारत ने इस ग्लोबल अलायंस के लिए वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए $15 मिलियन देने की घोषणा की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्लेज्ड $15 मिलियन टू ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ही मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द ग्लोबल वैक्सीन समिट, अभी उन्होंने ग्लोबल वैक्सीन समिट के दौरान ये अनाउंसमेंट की है, दैट वॉज होस्टेड बाई यूनाइटेड किंगडम ऑन June 4, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ए नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवेज ऑन June 5। हाल ही में June 5 को राजमार्गों पर मानव पशु मृत्यु पर दर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान किसने चलाया। तो ये जो कैंपेन है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड मॉर्टेलिटी ऑन हाईवेज, इसको यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस प्रोग्राम को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। एक्चुअली आज क्या होता है, हम खुद देखते हैं कि सड़कों पर जो नेशनल हाईवेज होती हैं या आम सड़कें होती हैं, वहाँ हम जानवरों को मारा हुआ देखते हैं, मतलब उनकी डेथ वगैरह बहुत काफ़ी बढ़ रही है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये कंपेन लॉन्च की गई है, अवेयरनेस कंपेन लॉन्च की गई है। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन 5 June 2020 लॉन्च ए नेशनल अवेयरनेस कंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवेज। तो जो भी ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटीज हाईवेज पर हो रही हैं उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए कंपेन लॉन्च किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ए UNDP नेशनल अवेयरनेस कंपेन, तो ये UNDP नेशनल अवेयरनेस कंपेन है ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड मॉर्टेलिटी ऑन हाईवेज। तो अब ये UNDP नेशनल अवेयरनेस कंपेन भी है, तो UNDP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP इज़ ये एक यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंटल नेटवर्क है। इट प्रोमोट्स टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन अमंग द नेशन, तो ये टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को बढ़ाता है नेशंस के, जो अलग अलग नेशंस हैं उनके बीच में। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 22 नवंबर 1965 में, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में, और एकिम्स ने स्टेनर ये हैं इसके करंट एडमिनिस्ट्रेटर, इसको चलाने वाले। तो ये थे तमाम आज के करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।